हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53 को हमारे स्टडी करेंगे, जो बात करता है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर की। देखिए, जब भी एक ट्रांसफर होता है, कभी भी कोई भी ट्रांसफर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का कर सकता है, उसको अधिकार है, ये हमको पता है। तो बोनाफाइडली गुड फेथ में जब भी अच्छे भाव से कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है तो उसको वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर फ्रॉडलेंटली करता है तो क्या होगा, उसी चीज के बारे में सेक्शन 53 बात करता है। जब हमने वर्ड की बात करी तो वर्ड क्या है, फ्रॉडलेंट। तो फ्रॉडलेंट वर्ड जो है वो सेक्शन 25 इंडियन पीनल कोड 1860 में डिफाइन किया गया। फ्रॉडलेंट को डिफाइन करते हुए सेक्शन 25 ये कहता है कि फ्रॉडलेंटली का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत इरादे से कोई काम करता है। क्या गलत इरादे से काम करता है, ऐसा कोई काम जिससे कि कोई नुकसान होगा, किसी व्यक्ति का रॉन्गफुल नुकसान होगा और किसी व्यक्ति का रॉन्गफुल फायदा होगा। और उसमें जो बात की गई ध्यान देने वाली, इंटेंशन, इरादा, नियत की बात की गई। तो फ्रॉडलेंट का मतलब यही होता है, ऐसा काम जो कि गलत इरादे से किया गया है और जिससे गलत इरादे से किसी को नुकसान पहुंचाया गया या फिर किसी को फायदा पहुंचाया गया, ऐसा नुकसान या ऐसा फायदा जो कि उस व्यक्ति को एक्चुअल में नहीं पहुंचना चाहिए था अगर ठीक तरीके से काम होता तो फ्रॉडलेंट का मतलब गलत इंटेंशन। तो जब हम फ्रॉडलेंट ट्रांसफर की बात करते हैं तो ऐसा ट्रांसफर जो कि फ्रॉडलेंटली गलत इंटेंशन से किया गया। अब गलत इंटेंशन से क्या मतलब है, इस बात को हम समझेंगे जो कि हमें सेक्शन 53 बताता है। लेकिन उसे समझे उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। दो व्यक्ति होते हैं जब हम ट्रांसफर की बात करें, इस ट्रांसफर की, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर की, तो उससे पहले कहानी है। कहानी क्या है, दो व्यक्ति थे ए और बी दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति ए था जिसको कि कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। अब उस पैसे की जब उसको जरूरत पड़ी तो उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, बस एक ही ऑप्शन था कि बी के पास जाए और उससे उधार मांगे। तो वो बी के पास गया, उसने बी को कहा मुझे पैसा उधार में दे दीजिए। अब बी ठीक है, मान गया कि मैं आपको पैसा देता हूं। अब बी के पास ऑप्शन है, या तो वो उसको सिक्योर्ड मनी के तौर पे दे या अनसिक्योर्ड मनी के तौर पे दे। सिक्योर्ड मनी का मतलब ये होता है कि वो उसको बोले कि आपको पैसे दे रहा हूं पर मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा, इसका क्या सिक्योरिटी है, मुझे सिक्योरिटी करके दीजिए, सिक्योर करके दीजिए, कोई प्रॉपर्टी दीजिए, कोई भी इमूवेबल या मूवेबल कुछ भी प्रॉपर्टी दीजिए जिसको कि आप मेरे पास रखिए और मैं उसको आप सिक्योरिटी रखूंगा, जब आप मुझे पैसा दे देंगे तब मैं आपको वापस कर दूंगा। जो भी उनके बीच में अग्रीमेंट होता है, बेसिकली सिक्योरिटी मेरे पास होनी चाहिए कि अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो इस सिक्योरिटी से मैं वो काम चला लूंगा, अपना पैसा निकाल लूंगा। तो सिक्योर्ड मनी ऐसे हुआ, और अनसिक्योर्ड मनी वो बोलते ठीक है ले जाओ, जब होंगे तो दे जाना, कुछ नहीं रखता। जब हम मोर्टगेज पढ़ेंगे ना तब आप समझेंगे, बंधक, मोर्टगेज, गिरवी जिसको बोलते हैं, उसने उसके पास गिरवी रखा कुछ प्रॉपर्टी और पैसे दे दिया तो सिक्योर्ड मनी हो गई। अब सिक्योर्ड मनी रख करवा ली उसने कि बी ने, और पैसा लेकर के ए चला गया, अपना काम कर लिया। जब टाइम आया उसको चुकाने का ए के पास, अब ए सोचता है मेरे को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जो मैंने बी के पास गिरवी रखी थी, क्योंकि मैं उसको पैसा नहीं चुका पा रहा है, चुका नहीं पा रहा है, उसकी नीयत नहीं है चुकाने की, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम चलो उसको अच्छा मान लेते हैं उसके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं चुका रहा। तो अब क्या होता है, वो सोचते हैं मैं क्या करूं, पैसा मेरा घर जाएगा, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो वो एक आइडिया सोचता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या दिमाग में आइडिया आता है, वो सी के पास जाता है, उसको बोलता है क्या आप मेरा घर खरीदोगे। सी देखता है प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है खरीद लेता हूं। अब यहाँ सी के पास भी देखो दो बातें हैं, या तो सी को पता है कि वो पहले से गिरवी है बी के पास, या फिर उसे नहीं पता कि गिरवी है। हम मान लेते हैं सी भी बेचारा बहुत सीधा है, उसको भी नहीं पता, उसका भी मतलब ठीक है, उसका भी माइंड ठीक है, उसको भी लगता है उसका भी इरादा गलत नहीं है, इंटेंशन उसका भी अच्छा नहीं, बोनाफाइडली वो भी एक्ट करता है, और वो उसे भी नहीं पता कि ऑलरेडी वो बी के पास गिरवी था। वो कहता है ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो अब ये घर कहां गया, बेच दिया ए ने सी को, और गिरवी किसके पास था, बी के पास। अब क्या होगा, अब बोलो जी क्या होगा, अब यहां पर सेक्शन 53 ऑपरेट होगा, काम करेगा। कैसे काम करेगा, सेक्शन 53 ये कहता है ऑल्दो जो ए ने सी को घर का ट्रांसफर किया, ट्रांसफर बाय सेल, किसी तरीके से भी ट्रांसफर हो सकता है, जो ट्रांसफर ए ने सी को किया वो वैलिड है, लेकिन बी के ऑप्शन पे वो वर्डेबल है।
बी के ऑप्शन में अवॉइडेबल का मतलब ऑल्दो वो जो एक्ट किसी ने किया, घर खरीदा, बोनाफाइडली किया, अच्छे इरादे से किया, उसको पता था कि उस पर कुछ भी गिरवी जैसा कुछ नहीं रखा हुआ और उसने घर खरीद लिया तो उसको तो वैलिड ट्रांसफर, उसने पैसे भी दिए। लेकिन अगर बी चाहे तो इक्विटी आती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, बी के राइट्स को, क्योंकि ऑलरेडी बी को बंधक बना, बी के पास बंधक थी वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में थी और उसने फिर भी सेल कर दिया, तो बी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विटी सामने आती है। तो सेक्शन 53 जो चैप्टर सेकंड में इंक्लूड किया गया बी पार्ट में, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करता है, उसको इक्विटी की रूल ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी, रूल ऑफ इक्विटी का ही वो पार्ट है, क्रेडिटर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है सेक्शन 53। मैंने वर्ड यूज किया क्रेडिटर, तो जो उधार दे रहा है ना, जो बी था वो क्रेडिटर था और जिसने उधार लिया जो ए था वो डेटर था, इस बात को ध्यान रखना। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे भी चल लेते हैं। बेयर एक्ट में देखिए बच्चों दो सेक्शन है, सेक्शन सबसेक्शन वन और सबसेक्शन टू। सेक्शन 53 के दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन वन और सबसेक्शन टू। जो सबसेक्शन वन है वो तो बात करता है सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया क्रेडिटर और डेटर के बारे में, और जो सबसेक्शन टू है वो बात करता है सबसिक्वेंट ट्रांसफरी की। वो क्या कहता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम सबसेक्शन वन की लैंग्वेज को समझते हैं। सबसेक्शन वन में जो बेयर एक्ट में कहा गया उन सभी को क्रक्स निकाल करके मैंने पॉइंट में लिख दिया, तो आप अगर इन पॉइंट्स को समझ में जाएंगे या फिर आप पॉज करके लिख लेंगे तो आपको सेक्शन 53 समझ आ जाएगा। सेक्शन 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो वहां पर सीधा सीधा भी पूछा जाता है कि फ्रॉड एंड ट्रांसफर कौन से सेक्शन में डील करता है, सेक्शन 53 में। सेक्शन 52 जो हमने डिस्पेंडेंस का पढ़ा, सेक्शन 53 फ्रॉड एंड ट्रांसफर, उसके बाद सेक्शन 53 है जो पार्ट परफॉर्मेंस का बारे बात करेंगे, वो सीधे सीधे भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से सेक्शन कौन सी बात को कहता है। तो तीनों सेक्शन याद रख लीजिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि ये बात करता है किसके बारे में, क्रेडिटर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विटी को आगे लाया गया है फ्रॉड एंड ट्रांसफर सेक्शन 53 में। अब ये क्या कहता है, कहता है एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी बताया कि कोई भी ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो किया जाता है, किसने किया, ए ने जो सी को किया था, वो ट्रांसफर की बात हो रही है, विद इंटेंट टू डिफीट और डिले, दो वर्ड हुए, डिफीट करने के लिए, डिले करने के लिए। डिफीट का मतलब होता है उसके राइट को खत्म करने के लिए, किसके राइट को खत्म करने के लिए, क्रेडिटर पे, या फिर डिले देरी से करने के लिए, देरी पहुंचाने के लिए। कोई काम करता है, क्या काम हुआ, ट्रांसफर जो ए ने सी को किया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसकी वजह से जो ये ट्रांसफर हुआ ना वो वॉइडेबल होगा, किसके ऑप्शन पे, क्रेडिटर के ऑप्शन पे, सेक्शन 53 का सबसेक्शन 1 इतना बोलता है। जब मैंने डिफीट और डिले की बात करी तो इसमें एक वर्ड आ जाता है डिफ्रॉड, तो डिफ्रॉड का क्या मतलब होता है, देखिए ऑल्दो जब आप ये समझ लेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज, उसके बाद में केस लॉ स्टडी कराऊंगी, लेकिन उस अभी के लिए रेफरेंस के लिए केस लॉ पढ़ते हैं, जो कि कहता है डॉक्टर विमला वर्सेस डेली एडमिनिस्ट्रेशन 1963 का केस, जिसमें ये कहा गया कि डिफ्रॉड में दो चीजें आती हैं, एक आता है डिसीट मींस धोखा, और दूसरे हमें आता है क्या बात, इंजरी, इंजरी होना, नुकसान होना धोखे की वजह से। पहला आया धोखा डिफ्रॉड में, दूसरा आता है इंजरी होना धोखे की वजह से। अब इंजरी को जो डिफाइन किया गया वो बहुत वाइडली डिफाइन किया गया, कहा गया कि इंजरी का मतलब इकोनॉमिक लॉस नहीं है, आर्थिक ही नुकसान नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे नुकसान है। अब वो नुकसान क्या क्या है, उन्होंने बोला किसी भी तरीके का नुकसान अगर क्रेडिटर्स को हो रहा है या जिसके साथ डिफ्रॉड हो रहा है उसको हो रहा है, कैसे नुकसान, उसकी व्यक्ति की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है, व्यक्ति को फिजिकली कोई हार्म हो रही है, मेंटली कुछ हरासमेंट हो रहा है, तो किसी भी तरीके की, किसी भी रीजन की, किसी भी जो है उसको इंजरी हो रही है, तो वो सब डिफ्रॉड में आ जाएगी, धोखे की वजह से जो हो रही है वो डिफ्रॉड में आ जाएगी, डिसीट में आ जाएगी। और वैसा कि वो डिफीट और डिले या फिर डिफ्रॉड वर्डेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, हमारे केस में बी के ऑप्शन पे, ठीक है। अब इतनी बात तो ये सबसेक्शन वन बोल देगा, लेकिन इसी सबसेक्शन वन में दो जो है एक्सेप्शन भी दे दी गई इस बात की, क्या एक्सेप्शन दी गई, कहा गया नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इम्पेयर, कुछ भी इम्पेयर नहीं करेगा, रुकावट खड़ी नहीं करेगा, कहां रुकावट खड़ी नहीं करेगा, द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, ऐसे ट्रांसफरी के अधिकारों में जो कि गुड फेथ
बोनाफाइडली जिसने एक्ट किया था और कंसिडरेशन पैसे भी दिए थे। अभी वाले एग्जाम्पल में बी शरीफ था, उसको पता ही नहीं था, ऑलरेडी जो है बी ने मॉर्गेज करी हुई है प्रॉपर्टी, सी ने तो खरीद लिया घर बोनाफाइडली इंटेंशन करते, मैंने अभी बताया उसको नहीं पता। तो अब यहाँ पर इक्विटी उसके भी अधिकारों को देखेगी, उसके अधिकारों का मानन नहीं होगा, उसकी क्या गलती, उसने तो घर खरीदा है भाई। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके अधिकारों में रुकावट नहीं आनी चाहिए जब हम बात करते हैं द गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन के बारे में, कि सी ने जो खरीदा था उसकी बात हमने करी। दूसरी तरफ दूसरे एक्सेप्शन की बात करें तो कहता है नथिंग शेल अफेक्ट एंड यहाँ पर दिस इज व्हाट एनी लॉ, नथिंग शेल अफेक्ट एनी लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर जिस व्यक्ति की बारे में हम बात करें, जिस ट्रांसफर के बारे में, जिस जगह के बारे में हम बात करें, वहां पर कोई इंसॉल्वेंसी का लॉ भी है तो इंसॉल्वेंसी के लॉ ओवरराइड करेंगे सेक्शन 53 को, यानी दिवालिया घोषित हुआ व्यक्ति तब जाकर के उसकी प्रॉपर्टी सेल की गई, क्रेडिटर पहले से एक व्यक्ति था उठ के आ जाता है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी लॉ ओवरराइड करेंगे उस क्रेडिटर की बात को। अभी देखिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट जो उसमें कहा गया, इतनी बार एक्सेप्शन समझाने के बाद में ये सेक्शन सेक्शन 53 का सबसेक्शन 1 ये भी कह देता है कि क्रेडिटर और क्रेडिटर्स की जब हमने बात की तो इसका मतलब ये होता है सेम है, चाहे एक क्रेडिटर हो चाहे एक से ज्यादा क्रेडिटर्स हो, और सूट जो है सेम होगा। मैं सूट की बात करती हूँ तो ये भी समझ लेते हैं, हमने कहा कि वॉइडेबल होगा वो ट्रांसफर जो उसको डिफ्रॉड क्रेडिट को डिफ्रॉड करने के लिए किया गया ए के द्वारा, इसको उसने सी को ट्रांसफर की थी तो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बी। तो वॉइडेबल है तो क्या करे, वो किससे वॉइडेबल कराएगा, अगर वो चाहे तो वो भले ही वो ट्रांसफर वैलिड था वॉइडेबल करा सकता है, तो किससे कहेगा, क्या ए से बोलेगा क्या वॉइडेबल कर दो, बिल्कुल भी नहीं, ए क्यों करेगा, उसने तो ऑलरेडी सील कर दिया उसको, अगर आप उसकी नियत इंटेंशन अच्छा होती फ्रॉड नहीं करने का होता तो वो आपको आपकी प्रॉपर्टी दे देता या आपके पैसे लौटा देता। तो वॉइडेबल कराने के लिए सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा उसको सिविल कोर्ट में जाके, किसको, क्रेडिटर को। अब सिविल कोर्ट में जाके वो सूट तो इंस्टीट्यूट कर रहा है लेकिन प्रोसीडिंग क्या होगी, क्या उसको रेमेडी मिलेगी, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है वहां पे जाकर के वो कह सकता है कि सूट में इंस्टीट्यूट कर रहा हूं, नंबर वन। नंबर टू जो हमने बात करी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इंजंक्शंस आते हैं, इंजंक्शन सीपीसी में भी आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी आते हैं, और इंजंक्शन की ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मत समझिएगा कि वीडियो का प्रचार कर रही हूं मैं, ये इसलिए बता रही हूँ कि इंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमारे सीपीसी में भी, और जो हम प्रोसीडिंग्स की अभी हमने बात की उसमें इंजंक्शन लेने जा रहे हैं, तो इंजंक्शन एक तरीके से रेमेडी का भी काम करते हैं। तो हमें समझना होना चाहिए कि इंजंक्शन होते क्या है और डिटेल एक्सप्लेनेशन विद केस लॉज मैंने दी हुई है, अगर आपकी इच्छा हो आप देखना चाहते हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा होगा। तो इंजंक्शन आप वहां से पढ़ लीजिएगा, रोक लगाना होता है बेसिकली, टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, डिटेल वहीं मिलेगा। तो अभी जब हमने बात की इंजंक्शन लेकर के आ सकता है क्रेडिटर, ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं हम, हमने भी बताया आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी और सीपीसी में दोनों में इसके प्रोविजंस हैं। फिर और इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो रिजाइन कराने के लिए भी ला सके है सकता है जब जा रहा है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। तो इस केस की जब हमने बात की सेक्शन 53 की सबसेक्शन 1 की, जो लास्ट पैराग्राफ है वो ये कहता है, साफ साफ बता दिया गया कि अगर एक से ज्यादा क्रेडिटर है तो, अब एक से ज्यादा क्रेडिटर में कई केस हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है एक व्यक्ति जो ए ही था उसने पहले बी से कुछ उधार लिया था, उसके बाद डी से उधार लिया, ई से उधार लिया, एफ से उधार लिया, एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि वो बी के पास उधार लेने गया था, उसी के पास डी ई एफ सब मिलके उन सब ने मिल करके उसको एक उधार दे दी, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दी, तो ये भी केस हो सकता है। तो कह रहे हैं चाहे एक क्रेडिटर है चाहे बहुत सारे क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर अगर चाहे तो बाकी क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता हुआ सूट ला सकता है, अलग अलग सूट लाने की जरूरत नहीं। ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है और उसमें साफ साफ ये बताया गया है कब कब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर सकता है, सिंपल इतने कहने मात्र से कि तुम भी क्रेडिटर मैं भी क्रेडिटर, चलो मैं जाकर के तुम्हारी जगह केस फाइल कर जाऊं, उससे काम नहीं चलता है। इसके भी रूल्स हैं, इसके
अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि एक ही ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, याद आ रहा है ना कुछ कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेम ट्रांजेक्शन में ही होना चाहिए, एक ही इसके बंदे से रिलेटेड होना चाहिए, तभी जाकर के सेम जो है बाकी सब एक व्यक्ति बाकी सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट आप फाइल कर सकते हैं और मान लिया जाएगा कि उसने बाकी सबको भी रिप्रेजेंट किया। और इसका पर्पज यही होता है कि मल्टीसिबिलिटी सूट को बचाया जा सके कि एक क्रेडिटर ला रहा है फिर दूसरा ला रहा है, फिर कोर्ट का टाइम ना वेस्ट हो, डेटर को भी परेशानी नहीं, क्रेडिटर को भी परेशानी नहीं, सबको एक ले आए सबकी जगह, तो मान लेंगे कि एक सूट ही इंस्टीट्यूट करने की जरूरत है, ज्यादा सूट बहुत सारे क्रेडिटर्स को इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं। तो सबसेक्शन 1 ने इतनी बात हमें बता दी। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू डिफ्रॉड। अब यहाँ पे क्या करें, डिफ्रॉड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एक व्यक्ति है, उसने एक अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम पे कर दी, बी के नाम पे कैसे कि गिफ्ट दे दी उसको, ठीक है। अब गिफ्ट को देने के बाद में उसने यही प्रॉपर्टी सी को बेच के इससे पैसे ले लिए, कंसिडरेशन में किया है, विदाउट कंसिडरेशन तो इसको किया था ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू डिफ्रॉड, विदाउट कंसिडरेशन पहले वाले को, तो ये कौन सा हो गया, पहले वाला ट्रांसफर ही है या सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही है। रूल ये कहता है कि जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होता है उसका अधिकार बाद में होता है, जो प्रायर ट्रांसफरी होता है उसका अधिकार पहले आता है। लेकिन सेक्शन 53 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले ट्रांसफर किया गया था विदाउट कंसिडरेशन, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के अधिकार मायने रखते हैं, जो ये ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन था इसके अधिकार मायने नहीं रखते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि ये प्रूफ कैसे होगा। जब मैंने आपको ये बात की कि वो वर्डेबल कराने के लिए जाता है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 53 में जाता है, तो प्रूफ कैसे होगा। यहाँ पर ये बात की गई कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है वो उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जो कि केस लेके जा रहा है। कोर्ट खुद से प्रज्यूम नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं लेगी, कोर्ट शैल नॉट टेक प्रज्यूम एनीथिंग, कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं लेंगे, मानेंगे नहीं कि ठीक है आप प्लेन लेकर के आ गए, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दिला दो या मॉर्गेज में पैसा दिला दो, तो कोर्ट नहीं प्रिज्यूम करेंगे इस चीज को कि आपके साथ फ्रॉड हुआ। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो फ्रॉड था वो एक्चुअल में हुआ था, तो प्रूफ करने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के पास जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 101, जो कि कह रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ या मेरे साथ ट्रांसफर इस तरीके से हुआ, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर दूसरा व्यक्ति से इस केस में ये वाला ट्रांसफर ये कहता है जिन्हें मैंने पैसे दिए थे, या फिर हम इसी केस की बात करें तो ये वाला ट्रांसफर जो कहता है मैं गुड फेथ में एक्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है, या फिर जो व्यक्ति है ट्रांसफर कर रहा होगा जी मेरा इरादा इसको नहीं था, इंटेंशन नहीं था, मीन जो दूसरी पार्टी है इसके खिलाफ केस इंस्टीट्यूट हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी बात को अगर अगेंस्ट प्रूफ करना है क्रेडिटर की या सब्सिक्वेंट ट्रांसफर की एज अ केस में भी, उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको प्रूफ देना पड़ेगा जैसे कि प्रोसीडिंग में चलता है। तो सेक्शन 102 शिफ्ट जो होगा बर्डन फिर उस पर्सन के ऊपर हो जाएगा, इस तरह से प्रोसीडिंग्स भी हो जाएंगी। अब हम बात करें केस लॉज की, तो चलिए केस लॉज पढ़ लेते हैं। केस लॉज में सबसे पहला है मुसा साहू साहू एंड नैदर वर्सेस हाकिम लाल एंड नैदर 1915 का केस। इस केस में क्या बात हुई थी, इस केस में ये कहा गया था कि अगर डेटर जो होता है डेट को उधार को चुकाते वक्त एक से ज्यादा क्रेडिटर्स के बीच में किसी एक को प्रेफरेंस दे देता है, प्रेफरेंस का मतलब किसी का उधार पहले चुकता कर देता है किसी का बाद में करता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सेक्शन 53 का फ्रॉडलेंट ट्रांसफर का काम कर रहा है। मींस डेटर की मर्जी है वो किसको पहले चुकाता है किसको बाद में चुकाता है, इस ये कहने मात्र से कि भाई ये मेरे को नहीं चुका रहा उधार उसको चुका रहा है, तो वो सेक्शन 53 का काम नहीं कर रहा। फिर दूसरा जो केस लो है हमारे पास है कंचन बाय वर्सेस मोतीचंद 1967 का केस। इस केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने उधार लिया दूसरे व्यक्ति से 2600 रुपए का, और उधार लेके मोर्टगेज में अपनी एक प्रॉपर्टी रख दी, उसी प्रॉपर्टी को बाद में उसने अपनी डॉटर इन लॉ अपनी बहू को गिफ्ट में दे दिया। अब क्योंकि उसने क्रेडिटर से उधार लिया था तो क्रेडिटर एक नहीं थे, एक से ज्यादा थे। अब वो जो एक से ज्यादा क्रेडिटर में से एक क्रेडिटर गया और उसने केस इंस्टीट्यूट कर दिया,
तो जो व्यक्ति था उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने फेवर में क्या बातें कही, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि एक क्रेडिटर क्यों आया, क्योंकि सभी क्रेडिटर्स इन्वॉल्व थे तो सभी को आना चाहिए था, इसलिए केस इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए। तो केस हेल्ड करते हुए ये कहा गया कि एक क्रेडिटर आए जब सभी क्रेडिटर्स आए, एक क्रेडिटर आ रहा है इसका मतलब वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि अभी हमने सेक्शन 53 के सबसेक्शन 1 को पढ़ा, तो इस केस में यही हेल्ड हुआ। फिर अब्दुल सुकूर साहेब वर्सेस अर्जी पापर राव एंड अदर्स का केस, इस केस में कहा क्या क्या कहा गया था, इस केस में वही बात कही गई थी जो मैंने अभी कहा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डर 21। कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति केस लेकर के आता है कि व्यक्ति जो है मेरी प्रॉपर्टी रखे थे इसने अपनी मोर्टगेज में मेरे पास, अब इसको अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करा दीजिए क्योंकि मेरा पैसा नहीं दे रहा, तो कह रहे हैं उसको सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 53 का ही केस इंस्टीट्यूट कर दे, उसी में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का केस भी आ जाएगा। इसमें ये कहा गया जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपके मेंस में आता है या LLB में आपके आता है तो आप इस केस को जरूर लिख करके आइएगा ताकि आपके जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है उसका आपके पास एक केस लो के साथ में एक आपके क्वेश्चन की वैल्यू वेटेज पड़ जाएगी, तो इस केस को याद रख लीजिएगा। फिर आता है मीना कुमारी वर्सेस विजय सिंह 1916 का केस, यही जो अभी हमने पढ़ा कि एक क्रेडिटर बाकी सारे क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक व्यक्ति पहले व्यक्ति को प्रेफरेंस दे रहा है, इसे एक व्यक्ति ने ए ने बी से तो लोन लिया ही था जिसे अभी हमने पढ़ा, उसे डी ई एफ जी से भी लिया था, अब वो पहले कहता मैं तो एफ को पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं वो डी के साथ बी के साथ एफ के साथ या जी के साथ फ्रॉड कर रहा है, इस केस में ये बोला गया था कि वो फ्रॉडलाइन ट्रांसफर में नहीं आता। फिर डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963 का केस, जो मैंने आपको बता दिया जिसमें डिफ्रॉड की बात को एक्सप्लेन किया गया, डिसीट और इंजरी किसी भी तरीके की, तो ये केस लॉज और जो मैंने आपको ऑर्डर 21 बताया, इंजंक्शंस बताया, रिस्काइन बताया, बर्डन ऑफ प्रूफ बताया, ये सारी चीजें, और सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया, सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया, एक्सेप्शन 2 है कि कंसिडरेशन जो हमने बात की उस व्यक्ति जो कि बोनाफाइडली काम करता है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन, और इंसॉल्वेंसी के लॉज के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होगा। इन बातों को मिला के क्वेश्चन लिख करके आइएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।